1989 अगर मैं गलत नहीं हो तो हमने देखा कासिम के अब्बा मैच खेल रहे थे और वहाँ पे हाँ जी वहाँ पे एक उनका इंडियन प्लेयर जो था वो आउट हो गया, उसने कहा श्रीकांत आउट हुए थे, हाँ जी उन्होंने कहा था कि हाँ जी वकार यूनुस पे, और उन्होंने कहा मैं आउट नहीं हूँ, उन्होंने कासिम के अब्बा ने वापस बुला लिया, उन्होंने कहा कि आप अगर आउट नहीं हो तो हम आपको दोबारा बॉल करवाएंगे, दोबारा बॉलिंग करवा के आउट कर दिया। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप की बात हो रही है, मत गए कासिम जी, इमरान फॉर्मर कैप्टन है, उनको यहां पे हम इग्नोर नहीं कर सकते, सियासत को थोड़ा दूर कर, आप भी सियासत कर रही है ना, बेसिकली चैनल ने कहा आपको नाम नहीं ले सकते ना, नहीं क्यों नहीं ले सकते, इमरान खान मैं ले रहा हूँ भाई, हमारे क्रिकेटर है, उन्होंने क्रिकेट की बात की, हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, सियासत पे नहीं, और क्रिकेट सियासत से क्लीन होनी, हम सिर्फ रिकॉर्ड पे बात करें, अगर इमरान खान साहब का कोई रिकॉर्ड अच्छा है तो हमें उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, 92 का वर्ल्ड कप डिनाई नहीं कर सकते, वो उन्होंने ही जीता है, और यूनुस खान ने 2009 का वर्ल्ड कप जीता है, सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी 2017 में उन्होंने जीती है, ये उनके रिकॉर्ड में लिख गया, अब कोई मिटा नहीं सकता। अच्छा वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैच होना है वर्ल्ड कप में जो आने वाला है कुछ ही देर के बाद, यानी 5 अक्टूबर से वो शुरू हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि अहमदाबाद जो है वो शुभमन गिल का फेवरेट प्ले ग्राउंड है, तो अब इस बारे में बताइए, क्योंकि इंडियंस हमारे जर्नलिस्ट और भाई जो है वो इतने एक्साइटेड हैं कि भाई शुभमन गिल जो है पाकिस्तान को फिर से मारेगा। भाई मैं क्रिकेट की प्रेडिक्शन वक्त से पहले नहीं कर सकता, बिल्कुल ये हालात और हाजरात के ऊपर काम होता है, देखें अब ये इनकी बात करें, डीएल पे सेकंड डे में जब भी मैच गया ना, इंडिया आज तक नहीं जीता, सही है ये भी याद रखिएगा, रिजर्व डे में इंडिया मैच आज तक नहीं जीता, ये भी रिकॉर्ड है, ये अभी 2019 के वर्ल्ड कप की हमारे सामने मिसाल है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से बड़ा अच्छा खेलते खेलते फिर हार गए थे वो मैच, तो रिजर्व कह रहे हैं कि 10% रेड करो करें जी क्रिकेट विद खुरम, क्रिकेट विद खुरम का सवाल है सईद भैया, बाबर आजम की कैप्टेंसी को रेट करें 10 out of कितने नंबर देंगे? चलिए जी 10 में से मैं इसको 8 नंबर दूंगा, 8 नंबर देंगे। अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये बीसीसीआई ने जो तमाशा लगा रखा है क्रिकेट का और स्पेशली वो पीसीबी को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो ये बताइए कि इन पे अगर कोई केस करना चाहे, कल सलमान जी भी ये बात कर रहे थे कि अगर शायकीन क्रिकेट जो मैच खेल रहे हैं वो अगर केस करेंगे भी, देख रहे हैं वहां पे जाके वो अगर केस करेंगे भी, तो क्या इसका जो इफेक्ट जो है वो पीसीबी पे भी तो नहीं आएगा, वो पीसीबी पे भी तो नहीं कर सकते ये केस? पीसीबी ने ऑलरेडी इनको कहा हुआ कि हम तो था, हमने तो रिक्वेस्ट इनको पेश की हुई है, वो तो हमने बाय रिटन की हुई है, हाँ जी, कि ये जय शाह को उन्होंने लिखा है कि जी मैच पाकिस्तान करा दें, दुबई करा दें, नहीं तो श्रीलंका है तो शायद जो दूसरा है उसमें चेंज करा दें मैच, तो वो नहीं माने, उन्होंने कहा जी हमने नहीं खेलना, हमने नहीं खेलना। तो इसमें तो देखें बड़ी एक कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं, एक ही वेन्यू था, देखें आपने एक अगर आपकी जिद हो ना, जब आपने कोई काम खराब करना हो तो आप वहाँ पे जिद्दी बन जाते हैं, जैसे जिद्दी बचे नहीं तो मैंने खाना नहीं खाना, मैंने दूध नहीं पीना, लाइक दिस काइंड ऑफ जय शाह मुझे लगे, बल्कि जय शाह को तो एक फीडर पकड़ा देना चाहिए कि जितनी एज में वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए तो मेरा ख्याल एक फीडर पकड़ा दे उनको, वो जरा मजे लेते रहे, इतने जिद्दी बच्चे भी नहीं बनना चाहिए था, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी उनको ये ऑप्शन दे चुका था, भाई आप गंबूला में खेल लें, ठीक है हम टंटो में खेल लें, उसके बाद जहाँ भी आपको मतलब बारिश नहीं हो रही यूएई में खेल लें, पाकिस्तान में खेल लें, तो ये हरदर्मी सरासर बीसीसीआई की थी, बिल्कुल ये हरदर्मी जय शाह की थी, अगर ये लोग मुबारक हो भाई, बारिश 10% कम हो गई।